नमस्कार, मेरा नाम रवि कांच और अशर आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। हमारी मौजूदगी इस वक्त खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड मुख्यालय में है और इन दोनों चौथम प्रखंड मुख्यालय काफ़ी सुर्खियों में है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस तरीके से अनुमंडल पदाधिकारी अमित अनुराग ने आज जिस तरीके से कार्रवाई की है चौथम प्रखंड मुख्यालय पहुँच कर, जैसे ही वो प्रखंड मुख्यालय पहुँचे तो प्रखंड मुख्यालय के दोनों गेट को बंद कर देने के बाद कार्यालय में तमाम लोगों हकीकत करते नजर आए। इसके साथ ही साथ दो संदिग्ध लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही जो एक कर्मचारी है, कर्मचारी की जो संलिप्तता है, वो भूमिका है, वो संदिग्ध मानी जा रही है दलाली को बढ़ावा देने को लेकर। हम जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हीं लोगों की मेरी भगत से चौथम प्रखंड मुख्यालय समेत जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में दलाली चरम सीमे पर है। बिना चढ़ावा दिए पैसा दिए लोगों का काम नहीं होता है और इसी को लेकर आज जिले भर के तमाम उन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी सरकारी योजनाओं की जांच पड़ताल को लेकर। इसी दौरान जब अनुमंडल पदाधिकारी जांच करने ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो ग्रामीणों के द्वारा इस शिकायत बताई गई कि लगातार दलाली चरम सीमे पर है, बिना पैसे दिए लोगों का काम नहीं होता है। इसी की सूचना पर जो है वो अनुमंडल पदाधिकारी जो है चौथम प्रखंड मुख्यालय पहुँच कर जो जांच करने के दौरान क्या कुछ निष्कर्ष निकला है, इन तमाम चीज़ों पर बता रहे हैं अनुमंडल पदाधिकारी, जरा सुन लीजिए। अधिकारी को एक एक पंचायत आवंटित किया गया जिसकी वो जांच कर रहे हैं। SDM खगड़िया मुझे भी तिनौत पंचायत जाँच करने का आदेश दिया गया था और उसी क्रम में ग्रामीणों ने ये शिकायत की जब मैं जाँच कर रहा था कि प्रथम यह अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय चौथम में भारी संख्या में दलाल सक्रिय हैं जो गलत काम करते हैं, गरीबों से पैसा वसूलते हैं। और उसी दौरान जब ये सूचना मैंने अंचल अधिकारी को दी और उन्होंने जब यहाँ पे आकर इस चीज़ की जांच की तो तीन लोग जिसमें एक अंचल निरीक्षक भी सक्रिय हैं उनकी भी संलिप्तता प्रतीत होती है और दो बाहर के लोग जो जिनके पास सरकारी दस्तावेज पाया गया है, तो इस बारे में थाना प्रभारी भी जो मौजूद हैं उनको आदेश दिया गया है कि सुसंगत धाराओं के अधीन इसमें जांच की जाए और विधि सम्मत कार्रवाई। ये जो कार्रवाई कर लिया गया सर, फिलहाल गिरफ्तारी भी है? नहीं, गिरफ्तारी तो वैसे नहीं है, जिसके पहले वो करके प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ही इसके बाद अग्रेतर तो अनुसंधान के बाद गिरफ्तारी, अनुसंधान प्रॉपर हो और उसके बाद तब तक लेकिन पूछताछ के लिए जी उनको अभी साथ तत्काल रखा गया। तो ये लोग कौन लोग हैं, क्या जो है किस तरीके के लोग हैं, क्या डेली ये लोग आते हैं या फिर ये जानकारी तो आप लोग मुझे बेहतर दे पाएंगे, डेली आते हैं नहीं आते, पर मुझे आज ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि इस तरह से उनके साथ ये समस्याएं आती हैं, चाहे वो आवास योजना हो या अंचल के अन्य कार्य हो, उसमें दलाल यहाँ पे मौजूद हैं, तो उसी के बारे में ये कार्रवाई की। आपके जो कार्य क्षेत्र में जितने सारे प्रखंड हैं, क्या इस तरीके के कार्रवाई और भी प्रखंडों में दिखेंगे या आप एक युवा SDM हैं, उस नाते जो है इस तरीके से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में क्या कुछ कार्य योजनाएँ हैं आपकी? ये कुछ चीज़ें तो बिल्कुल आप लोगों के सहयोग से ही होती है, जब हमें सूचनाएं मिलती हैं तो हम उस पर विधिवत कार्रवाई हम सब करते हैं। प्रशासन का हर एक अंग अपने अनुसार जो भी क्षेत्राधिकार में है उसमें सक्रिय है, तो ऐसी सूचनाएं जहां भी आएंगी वहां पे कार्रवाई होगी। और जैसा आपने कहा, जब से मैंने पदभार ग्रहण किया है मेरी कोशिश यही है कि हर एक अंचल हर एक प्रखंड में जाकर इस चीज़ को एक मुहिम की तरह चलाया जाएगा। तो अब अगले प्रखंड की बारी है। थैंक यू। हमारे साथ बात करने के लिए चौथम प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि हैं चंदन सिंह हैं। चंदन जी, आपकी मम्मी को जो है प्रखंड प्रमुख का बागडोर का मौका मिला है, लेकिन उसके बावजूद जो है भ्रष्टाचार कह लें, दलाली पेकारी चरम सीमे पर, इसको लेकर के आप कुछ पहल काय नहीं कर रहे हैं? पहल बहुत वार्निंग कर चुके हैं दलाल, नहीं मोना, देखिए आज क्या कार्रवाई हो रहा, एक भी दलाल को रहने नहीं देंगे चौथम प्रखंड के अंदर, मेरा वादा है। पूरा दलाल को यहाँ से खदेड़ के भगा दिया जाएगा और गरीब लोग का निस्वार्थ काम होगा प्रखंड के अंदर, चौथा प्रखंड के अंदर प्रमुख के नेतृत्व में। जो है रसीद कटाना है, जमीन का जो है जातीय आवासीय बनाना है, राशन कार्ड बनाना है, तमाम चीज़ों में जो दलाल सक्रिय है, ये कितनी बड़ी चुनौती है दलालों को भगाने का? दलाल को देखिए अभी उसका कर्मचारी खुद जा रहा, अभी खुद थाना अध्यक्ष ले गए पकड़ के, कर्मचारी सब वही लोगों के नेतृत्व में हो रहा है, पूरा उन्हीं के नेतृत्व में सब घुसखोरी हो रहा, पूरे टीम जा रहा है, तीन चार पकड़ा गया अभी, रंगे हाथ जो पकड़ा गया प्रखंड में।
ये जो इस तरीके की कार्रवाई आज ही होगा कि और भी भविष्य में होता रहेगा? होते रहेगा, ये सब रुकने का कोई मामला नहीं है, होते रहेगा। एकदम प्रखंड एक नंबर चलेगा, खगड़िया जिला के चौथम प्रखंड नंबर वन में रहेगा। चुनाव का टाइम आप भी बड़ा लंबा लंबा बात बोलते थे कि बिना पैसा का जो है होगा सारा काम होगा ना। देखिए बिना पैसा का काम होगा देख लीजिएगा, फिर अगले नेक्स्ट टाइम आइएगा तो फिर मिल जाएगा दो चार गो। लेकिन पूरा साफ सफाइयत कर दिया जाएगा प्रखंड। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000 रुपया घूस वाला सब जो है वो सब में लगा एकदम पूरा टाइट कर लिया जा रहा है। उसमें वार्ड भी आज देखिए संजोग से पकड़ा गया वार्ड, हाँ तीन को लेके। क्या करने आया था वार्ड यहाँ पर? वही इंदिरा आवास जो उसका बयान हुआ, जो बयान दिया वहाँ बोला इंदिरा आवास के लिए है, मेरे चाचा का है, फलना चिलना है, बयान यही दिया। इस तरीके की कार्रवाई होता रहेगा? हाँ होते रहेगा, एक भी नहीं बख्शा जाएगा। इस तरीके की कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? बहुत टाइट नजर से देखते हैं सब, देखना दलाल को हम पसंद नहीं करते हैं। कार्रवाई जो है बहुत ही अच्छा है, जैसा कि हम लोग को अनुमान था कि युवा हमारे एसडीओ साहब हैं एकदम ठीक उसी तरह निकले हैं कि जो युवा को करना चाहिए वो अभी कर रहे हैं। किस तरीके की कार्रवाई? हाँ एकदम पूरा टाइट कार्रवाई हो रहा है यहाँ पे जो है। बहुत ही दिनों से हम लोग भी सोच रहे थे कि इस तरह का कार्रवाई हो, दलाली पेकारी यहाँ चौथम ब्लॉक में बहुत चलता है। जैसा कि हम लोग भी यहाँ तक जान रहे हैं कि इंदिरा आवास में सही बात है कि 15,000 से 20,000 रुपये का लिया जा रहा है। इसी डर से अभी बुलाया गया था, वीडियो साहब भी यहाँ से कहीं निकले हुए हैं क्षेत्र भ्रमण में, लेकिन नहीं आए हुए अभी तक। और इंदिरा आवास सहायक को भी बुलाया गया था, वो भी नहीं पहुंचे। तो अर्जेंट में बुलाया गया, साहब बुलाए खगड़िया आइए तुरंत, आप शिकायत करो। पूरा हरकम मचा हुआ, डर से सबका।